या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि मवाप्नोति न सुखम न पराम गति। मन कल्पित विधाने विधि और भावना दोनों में सामंजस्य होना चाहिए, तब सिद्धि मिलती है। गीता का 17वां अध्याय भी इस तथ्य को उद्बोधित करता है, उद्भाषित करता है। विधि के साथ भाव, उनको तो मालूम है कि विधि क्या है, फिर उल्लंघन करके केवल ख्याति बतोड़ना चाहते हैं। इससे उनका भला नहीं होगा, उनके अनुयायियों का भला भी नहीं होगा। जानबूझकर विधि का अतिक्रमण कर रहे हैं अपनी ख्याति के लिए। तो ख्याति के लिए अगर विधि का कोई उल्लंघन करता है तो सफलता के नाम पर असफलता प्राप्त होती है, उपहास का पात्र बनता है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।